हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। हाउस ऑफ ड्रैगन है जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स का रिक्वल है, यानी कि ये कहानी ऑलमोस्ट 172 इयर्स पहले की है जब डेनेरिस टारगेरियन पैदा हुई थी। कहानी है यहाँ पर टारगेरियन सिविल वॉर की, यानी कि टारगेरियन की फैमिली के अंदर जो जो मसले मसाइल हुए थे उस आयरन थ्रोन को लेकर उसकी कहानी है। खैर, शो की कहानी फोकस करती है किंग विजेरिस फर्स्ट को, जो कि मे भी एक अच्छा राजा था और उसके साथ रहने वाले लोग उसको सपोर्ट भी करते थे। लेकिन किंग विजेरिस की प्रॉब्लम ये कि उसको बेटी तो पैदा हुई है बट बेटा कभी पैदा नहीं हो, तो उसके पागलपन में उसने बहुत सारे ऐसे चुतिया पाए किए जो आप लोग फर्स्ट एपिसोड में देख सकते हो। खैर, अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है, किंग विजेरिस फर्स्ट की वाइफ प्रेग्नेंट है और उसको बच्चा होने वाला है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से बीवी तो मर जाती है लेकिन साथ साथ बेटा पैदा होते ही मर जाता है। अब उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड 1 की कहानी मेरे हिसाब से अभी फिलहाल ठीक ठाक ही चल रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिलाएगी, जैसे कि वायलेंस, गोर, अनएक्सपेक्टेड सेक्स सीन्स। मेरा मतलब है कि यहाँ पर आपको गोटे कट्टे हुए दिखेंगे, कुल्हाड़ी से बहुत ही बुरी तरह से ब्रूटली किसी के खोपड़ी उड़ाते हुए भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर सेक्स के नाम पर डॉजी सीन्स भी देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के ये वो सारे एलिमेंट है जो आप लोग शो देखते हो, लेकिन उन सबके ऊपर यहाँ पर एक ऐसा सिविल वॉर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है और कुछ ऐसे कैरेक्टर है। हालांकि अगर गेम ऑफ थ्रोन के एपिसोड 1 की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर थे जो मतलब आपको ऐसे लग रहा था कि यार इन लोगों में बहुत स्कोप है, लेकिन यहाँ पर हाउस ऑफ ड्रैगन में उतने ज़्यादा कैरेक्टर अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए। लेकिन फिलहाल रैनरा और अंकल डेमन, ये दो ऐसे कैरेक्टर है जो अपने अंदर बहुत सारी आग समा के रखे। और मेरा पर्सनल फेवरेट है डेमन, नाम के साथ साथ काम से भी डेमन है। और यकीन मानो ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा खूंखार बनेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यही मेन कैरेक्टर है जो उस लोगों को पसंद भी बहुत आने वाला है। उसके अलावा प्रिंसेस रैनरा की बात करें तो यार डेनेरिस टारगेरियन के अंदर की जो खूबी थी वो आपको रैनरा में नज़र आती है। डेनेरिस ने जो जो सीखी होगी वो कहीं ना कहीं रैनरा की वजह से ही सीखी होगी, क्योंकि एक ही ब्लड लाइन है इन लोगों का। ये एक नूडल्स वाले अंकल जिन्होंने सर पे नूडल्स पहना, ये देख के मुझे काइंड ऑफ फनी भी लग रहा था, लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आया। शो सेट्स की बात करो तो यार बड़े बड़े सेट्स है, आँखें फटी की फटी रहती इन सेट्स को देख कर। CGI बहुत अच्छा है और CGI का नाम लिया तो भाई ड्रैगन्स, वाओ। बहुत सारे फैंस हैं जिनको ड्रैगन्स देखना बहुत अच्छा लगता है और ड्रैगन्स के लिए वो लोग बहुत सारी ऐसी एडवेंचरस मूवीज़ देखते हैं, तो यहाँ पर ड्रैगन्स को बता है। अभी फिलहाल ड्रैगन्स का काम सिर्फ अस्थियों को जलाने का था और आगे चल के एपिसोड में वो लोग एक्शन भी करते हुए नजर आएंगे। और ये फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में नहीं है, लेकिन ये इतना सक्सेस होगा कि डेफिनेटली ये हिंदी में भी अवेलेबल होगा। उसके परफॉर्मेंस की बात करो तो फिलहाल सभी एक्टर्स लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन जिस एक्टर ने यहाँ पर, मेरे ख्याल से मैथ स्मिथ नाम है उनका, जिसने यहाँ पर डेमन का रोल प्ले किया, उसका काम ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बाकी सब तो मुझे एवरेज ही लगे। उसका डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, एडिटिंग भी ठीक ठाक की गई है, BGM इसकी जान है, वाह। वो एक नॉस्टैल्जिया अपना गेम ऑफ थ्रोन्स का ना, वो नॉस्टैल्जिया कहीं ना कहीं हमें फील होता है जब इसका आप लोग BGM सुनते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल दिन बाय।